जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी, ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कंटेंट देख रहा था और जो मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं, तो मैंने एबीपी के ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा, बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए और जब मैं अस्वस्थ हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा, पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। ये उनका सार्वजनिक बयान है। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के आम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे सत धर्म के छद्म वेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी के एक नेता हैं।